टाइम्स ऑफ पानीपत की सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ऐसे में जो सूर्य ग्रहण लगेगा उससे देश में विश्व में कहाँ कहाँ ये जो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, इसकी समय सीमा क्या रहेगी, इसी के साथ इस समय पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका राशियों पर 12 की 12 जो राशियां हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं इस समय पंडित परशुराम जी के साथ जो वृंदावन से हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस ग्रहण पर सभी राशियों को किस तरह से फायदा ले उठा सकते हैं। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं पंडित परशुराम जी से। नमस्कार परशुराम जी। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस ग्रहण में मेरा सबसे जो पहला सवाल ये है कि जो सूर्य ग्रहण में सबसे जो लगेगा वो किस समय से किस समय तक लगेगा और क्या समय सीमा रहेगी इसकी। देखिए, आज आप धर्म के प्रति इतने आकर्षित हुए हैं, मैं देखता रहता हूँ बहुत से लोग अपने सनातन धर्म के लिए कुछ ना कुछ करने का उनके हृदय में बहुत बड़ा जज्बा होता है, लेकिन क्या करें, समस्याएं अनेक होती हैं और समाधान भी उनके पास ही होता है। जब जब हमारे देश में अर्थात हमारे भारत में जब कोई ऐसा संकट आता है ना, तो उसका निवृत्ति भी होती है। ऐसी इतनी भयंकर महामारी चल रही है, उसके लिए भी सभी लोग कार्य रहते हैं, प्रयत्न रहते हैं, लेकिन उस विषय को ना हम लेते हुए हम सीधे प्रवेश करते हैं 21 जून 2020 को जो अमावस्या है और अमावस्या के दिन जो सूर्य ग्रहण लग रहा है। अधिकतर भारत में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते रहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। इस बार जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उस दिन अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भारत में ही नहीं अपितु यूरोप के कुछ देशों में भी दिखाई देगा। जैसे आपका प्रश्न था कि ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो भारत में तो अपितु संपूर्ण भारत में दिखाई देगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अपितु विश्व में भी जो कई कई स्टेट हैं, जैसे यूरोप हैं, एशिया हैं और ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी यह दिखाई। और सूर्य ग्रहण का जो भारत में टाइम है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, संपूर्ण भारत में तो इस ग्रहण को प्रातः काल 9:21 को प्रातः 9:15 से प्रारंभ हो जाएगा ग्रहण, और कंकण यानी पूर्ण रूप से जो इसको ग्रहण कहेंगे ये प्रारंभ हो जाएगा आपका 9:17 से। इसके बाद इसका जो मध्य होगा परम ग्रास परम ग्रहण जिसको कहेंगे वो प्रारंभ होगा आपका 12:10 से, यानी दोपहर 12 PM भी कह सकते हैं। इसके बाद ये कंकड़ समाप्त होगा महाराज 2:02 PM पे और पूर्ण रूप से यह समाप्त होगा 3:04 शाम को, यानी 3:04 PM पर। और इसके पहले सूतक भी लगता है, जब भी ग्रहण होता है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। जैसे 9:15 पे ग्रहण शुरू हो रहा है सुबह, तो 20 जून को यानी शनिवार को रात्रि 9:15 से ही सूतक लग जाएगा। सूतक काल में क्या होता है, सूतक काल में अगर मुख्यता ये चाहिए कि हम लोगों को कोई भोजन का पान भी ना करें, लेकिन जो बच्चे हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको दवा इत्यादि लेना है, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, सूतक काल में बिना दवा के बिना भूखे और प्यास से नहीं रह सकती, इसलिए वो तो ले सकती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जवान हैं वो सूतक काल में भी कुछ ना खाएं। और सूतक काल में अगर कुछ ले लेते हैं तो ग्रहण काल में तो बिल्कुल भी ना खाएं। और इसकी मुख्य उपलब्धियां, मुख्य फायदे देखिए, कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णेन चा मूर्खानाम निद्रया कलहिनवा। जो अच्छे लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनका समय लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है। इस दिन जितना सा जितना अगर भगवान नाम का संकीर्तन हो सके वह लाभकारी है।
पूरे साल पर्यंत ना किया गया पुण्य इस दिन पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ अकारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्प तरु गोविंद को अपने हृदय में आवंचित करके सूर्य नारायण की आराधना की जाए। बड़ा ही सिद्ध मंत्र है श्री सूर्य नारायण भगवान का। वैसे तो सूर्य का बहुत बड़ा मंत्र है, अकृष्णेन रसहा वर्तमानो निवेशन्ना मृतम मर्तेन चा हिरण्येन सविता रथेन देवो यानी भुवनानि पश्चन। ये सूर्य नारायण का मंत्र है, हम इसको जैसे नहीं जप सकते तो सीधे कहते हैं ओम घृणे नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री आदित्याय नमः। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो श्री सूर्य नारायण का मंत्र है श्री ह्राम ह्रीम होम सह श्री सूर्याय नमः। इस मंत्र का ये जो बीज मंत्र है इसका जप करें अवश्य ही बहुत ही फल प्राप्त होगा। पंडित जी अभी पूछना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाएं ऐसे समय में क्या करें कि बच्चे के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तो सर्वप्रथम इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, विश्व कल्याण के लिए आपने आज जब यहाँ पहुंचे और ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो इसमें आपका ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए आज आपने प्रश्न किया है कि ग्रहण काल में जो नवजात शिशु होते हैं जो माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं तो उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए माँ को चाहिए कि उस ग्रहण काल में सर्वप्रथम बैठकर किसी स्थान पर, पहली बार तो सोए नहीं, एक स्थान पर बैठ जाए और बैठने के बाद रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, और जब देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण थे तो सभी लोगों ने गर्भ स्तुति की थी, सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। इसलिए जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हों तो उनको सर्वप्रथम एक नारियल ले लें और उस नारियल को अपने गोद में लेकर बैठ जाएं और ग्रहण काल तक सुंदर श्री रामचरित मानस के जो चौपाइयाँ हैं उनका पान रस पान करें, कर्ण रूपी जो आपका मुख है वहाँ से श्रवण करें और मुख रूपी जो आपका मुख है वहाँ से उसका वाचन करें और सुंदर कांड का पाठ करें, और विशेषतया ग्रहण काल के समय गौशाला से गौमूत्र हो गोबर हो इस दाई कोख में वहाँ पर लगाकर और बैठ जाएं और ग्रहण काल के बाद सुंदर स्नान करें, दान आदि कृत्य करें। ऐसा करने से जो उनके गर्भ में पल रहे शिशु की पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा होती है। गर्भवती महिलाएं क्या ना करें? देखिए बड़ा ही प्रश्न है, गर्भवती महिलाएं, महिलाओं की आप मेरी माताओं बहनों की ऐसी इच्छा होती है गर्भ में होती है ना, तो कुछ ना कुछ गृहकार में लगी रहती हैं। सर्वप्रथम या तो कैंची ले लेंगी तो कोई ना कोई कपड़े काटने लग जाएंगी, या तो सिलाई करने लग जाएंगी, या तो झाड़ू मारने लग जाएंगी, या तो पुराने कपड़ों को रखने लग जाएंगी, यानी कुछ ना कुछ, ना तो कोई सिलाई करना है, ना तो पुताई करना है, ना कोई व्यंजन बनाने हैं। एक स्थान पर बैठकर ग्रहण काल के समय तक भगवान नाम का संकीर्तन करना है। अब मैं तो कहूँगा आप घर पर रहें, भगवान नाम का संकीर्तन करें और किसी को कठोर वचन ना बोलें। उस ग्रहण काल के समय में किसी से झगड़ा भी नहीं करना, कुछ भी कहें, क्योंकि बारह पुत्र मात पिता के कर्मा, आप जैसे कर्म करोगे जैसे धर्म करोगे वैसे पुत्र बढ़ता है। मैं इस समय पंडित परशुराम जी की बात को दोहराना चाहूंगी कि किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कुछ भी काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही ले, और जो विधि पंडित जी ने बताई है उसका पूर्ण पालन करें, वो काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि जो 12 राशियां हैं इस पर जो सूर्य ग्रहण है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सूर्य ग्रहण जो आ रहा है इस समय पृथ्वी पर, तो वो जो राशि उसकी मिथुन है और मिथुन राशि का स्वामी है बुध, राशि मिथुन है और मिथुन राशि का स्वामी है बुध। बुध एक कारक ग्रह है और ये दो नक्षत्रों पर प्राप्त हो रहा है, यानी जो नक्षत्र है मृगशिरा, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, और आद्रा, आद्रा राहु और केतु का नक्षत्र है, यानी इन दो नक्षत्रों के कारण दोनों अंगार कारक ग्रह हैं।
यानी अग्नि की वर्षा कर सकते हैं। कहने का मतलब कि दो देशों में आपस में भिन्नता ना होना, जैसे चीन और भारत में मेल ना खाना, आपस में द्वंद्वता पैदा होना, यानी कोई भी पड़ोसी देश है किसी दूसरे देश पर एक प्रेम और सहानुभूति की इच्छा प्रस्त ना करना, एक दूसरे पर भारी पड़ना। इस तरह आद्रा जो राहु केतु का नक्षत्र है और महाराज मृगशरा मंगल का नक्षत्र, दोनों अंगार कारक ग्रह हैं, ये दोनों अति वर्षा कर सकते हैं और अति वर्षा भी नहीं कर सकते। ये ग्रह अषाढ़ में पड़ रहा है, सूखे के भी बहुत से ज़्यादा आसार है, क्योंकि अषाढ़ के महीने में बारिश होती है और अषाढ़ में इस ग्रह ग्रहण का पड़ने के कारण वर्षा अत्यधिक भी हो सकती है और सूखा का भी सामना करना पड़ सकता है, अंगारिक वर्षा भी हो सकती है। तो आइए हम प्रवेश करते हैं 12 राशियों पर, किस राशि में जातकों को क्या प्राप्त हो सकता है। सर्वप्रथम हम प्रवेश करते हैं, राशियां 12 होती हैं और 12 राशियों में ही पूरा संपूर्ण विश्व प्रवाहित होता है। तो कोई किसी की नाम की राशि होती है और किसी की जन्म की राशि। तो आप जन्म से अगर मानते हो तो जन्म राशि का गोचर माने, अगर नाम से मानते हैं तो जन्म नाम राशि का गोचर माने। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में जिनकी भी मेष राशि है उनको धन का लाभ होगा। देखिए स्वामी उनका मंगल है, तो आइए मेष राशि वालों को धन का लाभ होगा। मेष के बाद हम प्रवेश करते हैं वृक्ष राशि में, वृक्ष राशि वालों को धन की हानि होगी। आइए हम प्रवेश करते हैं मिथुन राशि में, क्योंकि मिथुन राशि में ही ग्रहण आ रहा है, दो नक्षत्र हैं, तो मिथुन राशि वाले जो हैं दुर्घटनाओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों को मुख्य रूप से भगवान सूर्य नारायण की आराधना करना चाहिए उस दिन। ये चेतावनी है मिथुन राशि वालों के लिए, वो कदापि कोई ऐसा कार्य ना करें, बैठकर भगवान नाम का संकीर्तन करें, इसलिए उनको चार गुना फल की प्राप्ति होगी। आइए हम कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में धन की हानि हो सकती है। कर्क राशि के बाद हम बात करते हैं सिंह राशि की, लाभ हो सकता है। और सिंह राशि के बाद हम बात करते हैं महाराज कन्या राशि की, रोग का और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है उनका। और इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को चिंता सता सकती है, उन्हें चिंता और संतान की भी, ये एक दिन की बात नहीं है, ये ग्रह जो है चूड़ामणि ग्रह ग्रहण है, क्योंकि रविवार को पड़ रहा है, 6 महीने से भी ज़्यादा ये पूर्ण रूप से अब अपना अधिकार दिखाता रहेगा भारत में, क्योंकि रविवार को है, राजाओं में भी द्वंद्वता पैदा होगी, आपस में मतभेद नहीं मिलेंगे, क्योंकि रविवार के कारण इसको चूड़ामणि ग्रहण भी हम कह सकते हैं और आपस में दो राजाओं में भिन्नता बनी रहेगी। आइए हम बात करते हैं तुला राशि की, चिंता सताएगी उन्हें तुला राशि। के बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को क्या है, शूद्र से कष्ट होगा, उनसे भय रहेगा। और धन राशि वालों को, यानी स्त्री और पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन कष्ट में रह सकता है, इसलिए धनु राशि वाले यानी पति और पत्नी दोनों बैठकर भगवान शंकर की आराधना करें। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की आराधना करने से उन दोनों के दाम्पत्य जीवन में सुखमय और शांति प्रतीत होगी। और हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखो मकर राशि रोग और भय की चिंता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कुंभ राशि यानी खर्चा अधिक कर सकते हैं, कमाई कम होगी और खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के, कार्य में सिद्धता प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ उनको शुभ संकल्प प्राप्त होंगे, इसलिए जो 12 राशि हैं इनको सबको, विशेष रूप से जिनको धन की प्राप्ति हो रही है ना, तो वो महालक्ष्मी जी की आराधना करें, और जिनको धन की हानि हो रही है वो भी महालक्ष्मी जी की आराधना करें,
क्यों? क्योंकि जिन पे संकट आ रहे हैं, धन जिनका खर्च हो रहा है, तो वो माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो और धन की वर्षा होगी, और जिनको धन लाभ हो रहा है तो और होगी, जिनको नहीं हो रहा तो उनको होने लग जाएगी। जिनको दुर्घटना का भय है तो वो भगवान शंकर की आराधना करें, त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मत्तोर मुच्चीय मामृता नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का जप करें। और जिनको लक्ष्मी चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः श्री महालक्ष्मी नमः, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इस ग्रहण के कारण मेष और सिंह और मीन राशि को धन की प्रधानता के कारण उनको लाभ होने वाला है और शुक्र गुजार करना चाहिए सर्वप्रथम मेष राशि वालों को और सिंह राशि वालों को और मीन राशि वालों को महालक्ष्मी देवी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि उनको धन की पराकाष्ठा हो रही है, लाभ हो रहा है। आइए हम बात करते हैं इस ग्रहण के कारण वृक्ष और कर्क और कुंभ राशि वालों को धन की हानि हो रही है, इसलिए उनको भी महालक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं इस ग्रहण के कारण मिथुन राशि और कन्या राशि और तुला राशि और वृश्चिक और मकर राशि वालों को दुर्घटना का सामना कर सकते हैं, इसलिए आप बैठकर उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, क्योंकि मृत्यु से विजय दिलाने वाला एक महामृत्युंजय मंत्र ही है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब हम भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, भगवान शंकर हमें सब दुखों से प्रविष्ट कर अपनी शरण को प्राप्त कराते हैं, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले, क्योंकि धनु राशि बची, अब धनु राशि वाले यानी पत्नी की, किसी पति पत्नी में पति की धनुराशि है, पत्नी की धनुराशि नहीं है, अगर पत्नी की धनुराशि है तो पति की धनुराशि नहीं है धनु, तो इसलिए दोनों बैठकर वो भगवान शंकर की आराधना करें तो उनका दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। दोनों बैठकर भगवान नाम का संकीर्तन करें, बहुत ही लाभकारी रहेगा। बारह राशियों के विषय में हमने आपको जानकारी दी। पंडित जी आपने बताया कि राशियां जो हैं इन पर प्रभाव किस प्रकार के पड़ेंगे, लेकिन अब जानना चाहते हैं हम कि ये कब तक इसका प्रभाव रहेगा। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, इस उत्तरायण और दक्षिणायन, तो जैसे हमने एक बार भोजन कर लिया ना तो कल हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी ना, ये ग्रह है और ग्रह की अंतर्दशा चलती रहती है, आती रहती है, इसलिए दो व्यक्ति थे, एक बिहारी जी नित्य जाता था, एक और कहीं जाता था, जब रोज दर्शन करने जाता था फिर भी उसे परमात्मा ने धन की अवृष्टि नहीं कराई है, जो इधर उधर घूमता था परमात्मा ने उसे धन की वृष्टि करा दी। कहने का भाव कि जिसके नसीब में जो होता है वह उसे मिलता है, लेकिन हम भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो वही फल चार गुना प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के दिन हम थोड़ा सा भी परमात्मा के नाम का चिंतन करेंगे तो उस दिन का किया हुआ पुण्य और दिन से चार गुना प्राप्त होता है। चलिए ये तो बताया हमें पंडित जी ने इस वक्त की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, अन्यथा और भी जो लोग हैं उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि पंडित जी से जो पानीपत अपना शहर है यहाँ पर जो ग्रहण की स्थिति है किस प्रकार की होगी। देखिए सूर्य ग्रहण के विषय में मैंने तो आपको बताया, लेकिन पानीपत के स्टेट टाइम के अनुसार यहाँ हम ग्रहण को देख सकते हैं। ग्रहण प्रारंभ होगा 10 सुबह के सत्र में 10:20 से और ग्रहण का मध्य रहेगा 12:01 से। ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा यहाँ 1:47 पर, ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। और सुबह जैसे 9:15 से ग्रहण शुरू होगा तो ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा 20 तारीख शनिवार को, और रविवार 21 जून को 10:20 से ग्रहण प्रारंभ होगा और आपका ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा 1:47 तक। इसलिए सभी पानीपत में रात्रि 9:15 से ही मंदिरों के पट
बंद हो जाएंगे और ठीक 1:47 के बाद ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही मंदिरों के पट खुलेंगे। इसलिए मेरा धर्मनगरी पानीपत में सभी मंदिरों के पुजारियों से और यहाँ के भक्तों से एक निवेदन है कि आप रात्रि 9:15 के बाद, जब रात्रि शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे और ग्रहण काल के बाद 1:47 के बाद ही मंदिर के पट खुलेंगे, इसलिए आप उठें और सप्त धान्य का दान करने से सभी पापों का समावेश हो जाता है। इसलिए ग्रहण काल के बाद सभी लोग तुला दान करें, जितना अपना वजन हो उसके अनुसार गेहूं का दान करें और महाराज सप्त धान्य वगैरह दान करें, जो दकोत ब्राह्मण होते हैं उनको दान करें, मंदिर इत्यादि में जाए वहां दर्शन करें। ऐसा करने से महाराज अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो काल चल रहा है कोरोना काल, तो महाराज इस समय काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश हेतव, यानी एक अजगर ने अपने मुख को खोल रखा है, उस अजगर के मुख में हम घुस चुके हैं और उस अजगर को निर्णय लेना है कि हम अपने मुख को कब बंद कर लें। यानी ये जो काल चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है, कोरोना महाकाल के नाम से भी हम इसे कह सकते हैं, इस अजगर ने अपने मुख को खोल लिया है, पता नहीं कौन प्राणी कब गोविंदाए नमो नमः ना हो जाए। इसलिए हम सब मिलकर एक पुनः सनातन धर्म को अग्नि करें और हम सब प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें, अपने मंदिर दीवाले में जाएं और अपने जीवन को निहित करें, क्योंकि एक जन्मों के नहीं अपितु जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल उदय होता है, तब ऐसा सुंदर समय प्रतीत समय प्राप्त होता है। हम मनुष्य योनि में प्रवाह करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय धर्म कार्य में लगाना चाहिए, वही हमें सुखप्रद और सुख का अनुभव करा सकता है। पंडित जी जानना चाहेंगे कि इस दिन अमावस्या है, कुछ लोग इस दिन दूध और जो पेड़ा है वो निकालते हैं, तो ये निकालने का जो समय क्या रहेगा? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया बहुत है, क्योंकि बहुत लोगों बहुत लोग मेरे से पूछते हैं धर्मनगरी पानीपत में कि हम अमावस्या है तो उस दिन हम जो पितरों के निमित्त करते हैं वो कब करें। वो 20 तारीख को ही पितृ कार्य कर सकते हैं आप, जो दूध इत्यादि पेड़ा इत्यादि जो निकालते हैं आप, वो 20 तारीख को ही करेंगे दिन में, क्योंकि रात्र में सूतक लग जाएगा और फिर आप 12 घंटे कुछ कर नहीं सकते, फिर ग्रहण लग जाएगा और इसके बाद 3:47 के बाद ग्रहण समाप्त होगा, फिर आप उसका कार्य को कैसे करेंगे। इसलिए वो 20 जून को ही दोपहर सत्र में आप उस कार्य को कर सकते हैं, बस यही निवेदन रहेगा। ये जानकारी जो दी हमें पंडित परशुराम जी ने दी, जो बहुत ही जरूरी थी सभी के लिए, कि जो सूर्य ग्रहण लगेगा 21 जून को, उस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी जो महिला बहनें हैं पानीपत शहर की, उनके जब उन्हें पता लगा कि मैं ऐसे ऐसे कर जा रही हूँ पंडित जी से बात करने के लिए, तो उनका सभी का सवाल था कि एक सवाल उन्होंने जो मुझे पूछने के लिए कहा था वह यही था कि अमावस्या का जो पितरों के लिए दूध निकलता है वो किस दिन निकालें। तो उन्होंने बताया कि आप सभी इसको 20 तारीख को ही कीजिएगा, जो भी आपकी पितरों के लिए आपने करना है, और 21 तारीख को जो पूरे रूप से आप सूर्य ग्रहण का जो पालना दी नियम बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। और इसी के साथ टाइम्स ऑफ पानीपत के साथ आप सभी बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो ये मामला है, ये सारे जो मेरे साथ आए हुए हैं ये गरीब ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं, ये पानीपत की पब्लिक हेल्थ डिवीजन नंबर 1 के अधीन काम करते हैं और पिछले 15 साल से ट्यूबवेलों को काम करने पर लगे हुए हैं, ये लोगों के घर पानी भिजवाने का काम है। तो लेकिन
अभी पिछले साल के नवंबर से वो डिपार्टमेंट ने किसी ठेकेदार को ये काम दे दिया, वो ठेकेदार और एक्शन, अब उसमें मिली भगत करके ज़्यादा पैसा कैसे बचाए, एक्शन को और उनको ज़्यादा पैसे की बचत कैसे हो, किस तरीके से हो, वो ठेकेदार का एक्शन का गठजोड़ हो गया और उस गठजोड़ में इनके साथ जाती होगी, इनका शोषण होने लग रहा है। ये सारे गरीब ट्यूबवेल ऑपरेटर्स 15-15 साल से, 8 साल से, 14 साल से, 16 साल से ऐसे इन्होंने अपने और काम छोड़कर पार्ट टाइम केवल 4,000 रुपये ये ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के लिए लेते थे ट्यूबवेल को, और 24 घंटे की सर्विस है इन लोगों की, उस 24 घंटे के बदले डिपार्टमेंट इनको 4,000 रुपये देता था। वो 4,000 रुपये भी ठेकेदार को और एक्शन को हजम नहीं हुए, एक्शन राजेश कौशिक नाम का एक्शन है उसके अंदर, और उसको हजम नहीं हुए, उसने इनके साथ एक्शन के साथ, एक्शन और ठेकेदार के गठजोड़ ने इनको 2,000 रुपये पर लिया, 24 घंटे का मजदूर 2,000 रुपये महीना। आप सोच कर देखो, मैं पानीपत की जनता से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ, इन गरीबों के साथ और इन लोगों के साथ जो जाति सरकारी कर्मचारी ठेकेदार के साथ मिलकर कर रहा है, क्या उसका कोई तोड़ नहीं है? क्या उसके गठजोड़ को तोड़ने के लिए ये सारे हमारे कई बार हमारे विधायकों के पास भी गए, दूसरी जगह जब इन्होंने जैसा मेरे को बताया कि ये सारे के सारे गए लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। तो अब हमने ये सोचा है कि इस भ्रष्टाचार के गठजोड़ को और इन चोरों को, इनको जेल की सलाखों तक छोड़ के आने में हम इन सब के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने आज ये डीसी को ज्ञापन सौंपा है, आज हमने डीसी को शिकायत सौंपी है भाई ऐसे ऐसे एक्शन का ठेकेदार का गठजोड़ इन लोगों को लूटने लग रहा है, इन सब के घरों के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं, पिछले कई कई महीनों से इनको पैसे नहीं मिल रहे, और जिसने पैसे मांगे उसको नौकरी से निकाल दिया। तो इनकी जगह काम पर किसे रखा जा रहा है? काम पर वो एक दो फर्जी, कुछ ट्यूबवेल ऐसे हैं जिसके ऊपर ऑपरेटर नहीं है, उस पर दिखा के जो ठेकेदार के जो स्टाफ के कर्मचारी वगैरह ये सारे मेरे को बता रहे हैं कि ठेकेदार के स्टाफ के कर्मचारी उनके नाम बैंक अकाउंट हैं, उनके खातों में पैसे जाते हैं, और इन गरीबों को, इनके जो और जो दूसरे भाई बंधु गरीब हैं जो उनकी बहकाई में आगे, उनको बहका कर 2,000 रुपये में इनका भी काम अपना उससे ले रहे हैं सबके सबका। तो आज हमने डीसी को ज्ञापन सौंपा, डीसी को शिकायत सौंपी है, और ये डीसी से हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी है वह जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान हो। अगर इस समस्या का समाधान हमारे को डीसी से भी नहीं मिलता तो मैं इन सभी ट्यूबवेल ऑपरेटर्स, इनके बीवी बच्चों के साथ मिलकर, इनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उस एक्शन के दफ्तर में, उस पब्लिक हेल्थ के दफ्तर में उनको काम निकलने दूंगा किसी कीमत पर भी, क्योंकि हम मानते हैं वो चोरी करने के लिए, उसके लिए करप्शन के लिए दफ्तर में नहीं बैठा रखे सरकार ने। वो सबसे बड़ी चिंता की बात तो क्या है, उससे तो एक ईमानदार सरकार, ईमानदार मुख्यमंत्री, उसकी छवि को भी धक्का लग रहा है, उसकी छवि को, उसके जो साख को, जो ये बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं, इसको सजा दिलाने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हैं। आइए उधर आ जाइए, थोड़ा साइड हुई सर, एक मिनट बस, यहाँ थोड़ा खड़े हो जाए, मैं शॉर्ट ले लूँ, यहाँ सभी जी आप जा रहे जी बताइए। आज जनआवाज सोसाइटी द्वारा लॉकडाउन में जिस प्रकार से ब्लड की कमी पड़ी हुई थी, तो सोसाइटी ने फैसला लिया था कि जब तक लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल नहीं जाता और रक्त देना शुरू नहीं करते, तब तक जनआवाज सोसाइटी प्रत्येक सप्ताह रक्तदान शिविर लगाती रहेगी।
आज उसी कड़ी में सोसाइटी का दशहरा प्रदान शुरू है और आज हमारे बीच में तहसीलदार पानीपत ने भी आकर रक्तदाताओं को हौसला बढ़ाया है, उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने देखा भी आज जिस तरह सोसाइटी काम कर सरा अधिकार गए हैं तो उन्होंने आज हौसला बढ़ाया है, रक्तदाताओं को उनको सर्टिफिकेट दिए हैं, उनको सम्मानित किया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ पानीपत की जनता से अपील करता हूँ कि वे इस नाजुक घड़ी में जहाँ रेसिमे के बच्चों को ब्लड की आवश्यकता होती है रक्त के साथ जीते हैं, जहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं मरीज जो घायल लोग होते हैं उनका रक्त चाहिए होता है, उसमें जीवन रक्त ही है और एक महत्वपूर्ण रक्तदान है, महादान है, इसके लिए आप आगे आए, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे लेके आए और समय समय पर जैसा भी हो जरूरत के अनुसार आप लोगों को रक्तदान करना चाहिए। मेरी अपील शहरवासियों से मिल करके इस मुहिम को भी हम लेके चले, अगर आप क्यों कभी किसी की जान न जाने का। आज 10वां कैंप है, कितने यूनिट अभी तक हमारा पिछले 9 कैंप में 231 हम लोगों ने उस अवस्था में 231 यूनिट इकट्ठी किए जब पुलिस वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, गाड़ी रोड पर अपराधी उनको चलान करते थे, लग पड़ते थे। हमारे युवा साथी जनावर सोसाइटी के सदस्य गलियों में से निकल के चोरी छिपे से आकर के ब्लड बैंक में पहुंचते थे या रक्तदान करके जाते, उस अवस्था में हमने किया है। 231 पीछे हो चुके, आज हमारा 10वां कैंप है, आज भी 40-50 के करीब हमारे यहाँ हो जाएंगे, तो इस प्रकार से हर सप्ताह 30-40, 30-40-50 इस प्रकार से हम रक्तदान करें। आज जनवाद सोसाइटी द्वारा 10वें रक्त शिविर का आयोजन किया गया जिसमें पानीपत के युवाओं ने बढ़ के भाग लिया और आज पानीपत तहसीलदार जी यहाँ पर उपस्थित थे रक्तदाता का हौसला बढ़ाने के लिए। मेरी आपके माध्यम से पानीपत के लोगों से खासकर युवा वर्ग से ये अपील है कि रक्तदान रूपी इस मस्जिद मान करके में अपनी उद्धाने का कार्य करें और रक्तदान के लिए आए।